आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा है, फोर इवेंट्स दैट रिजल्ट इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट आर रिजल्टेड बिलो। तो यहाँ पे फोर इफेक्ट इन्होंने दिया है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में होंगे। तो इन्होंने ये जो रिजल्ट है तो ये उल्टे पुल्टे दिए हैं, जो इवेंट्स है एक्चुअली वो उल्टे पुल्टे दिए हैं हमें। विच एरो डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट रिजल्ट इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए, फर्स्ट है अर्थ रिफ्लेक्ट्स अ पार्ट ऑफ सनलाइट, ट्रैप्ड रेडिएशंस हीट्स अप द एटमॉस्फियर, द अर्थ एटमॉस्फियर ट्रैप्स द रिफ्लेक्टेड सनलाइट एंड सनलाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये है सीक्वेंसेस, ये गलत सीक्वेंसेस है, हमें सही करके लिखना है और इन्हें राइट अरेंजमेंट करके यहाँ पे प्रेजेंट करना है। तो देखिए, ये है अर्थ का सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहां से जो सन है, तो इसके यहाँ पे रेडिएशंस आएंगे। तो ये जो रेडिएशंस है, ये जितने रेडिएशंस की रिक्वायरमेंट है उतना रेडिएशंस यहाँ पे आएगा और ये बाकी का रिफ्लेक्ट होके स्पेस में चला जाएगा और ये है रिफ्लेक्शन। तो पहले तो हम बोलेंगे कि सबसे पहले होगा सनलाइट फॉल ऑन अर्थ। तो ये है सनलाइट क्या होगा, फॉल ऑन अर्थ। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गई। इसके बाद देखिए क्या होगा कि तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है लेकिन इनके लिए वो कितनी स्टेप है, फोर्थ है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे फोर्थ स्टेप। इसके बाद क्या होने वाला है कि अर्थ रिफ्लेक्ट पार्ट ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन ऑफ पार्ट ऑफ सनलाइट, ये एक्चुअली सेकेंड इवेंट है लेकिन इन्होंने दिया है यहाँ पे ये फर्स्ट पे अर्थ रिफ्लेक्ट। तो ये यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है, देखिए कि द अर्थ एटमोसफियर ट्रैप द सन रिफ्लेक्टेड सनलाइट। तो देखिए यहाँ पे ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस, तो ये मीथेन हो सकता है, वाटर वेपर हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकते हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये सब गैसेस वापस दोबारा इन्हें अर्थ की तरफ मोड़ देंगे और इसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट जो है वो आएगा थ्री, कि द अर्थ एटमोसफेयर ट्रैप द रिफ्लेक्टेड सनलाइट। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो जाएगा। तो ये थ्री हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है द ट्रैप्ड रेडिएशंस हेल्प हीट्स अप एटमॉस्फियर। तो वापस ये जब सनलाइट यहाँ पे आ जाएगा तो दोबारा ये अर्थ का सरफेस वापस हीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मोर हीटिंग, ये जो स्टेप है ये फोर्थ स्टेप है और यहाँ पे ये दी है इन्होंने सेकंड। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4, 1, 3 और 2, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो होगा अपना सही आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।